Assalamu alaikum. Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today topic is about answer. So before watching my video, please like and subscribe my channel. So let's start. अच्छा, NSAIDs non steroidal anti inflammatory drugs. तो सबसे पहले इनके mechanism of action को discuss करने से पहले हम देखते हैं कि inflammation क्या है. ठीक है, जाहिर बात है inflammation जब हो रही है, acute है या chronic है, तो उसके अगेंस्ट हम ड्रग ले रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. तो इन्फ्लेमेशन क्या है? तो इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्या है कि प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड टिश्यू इंजरी या टुवर्ड द डैमेजिंग. अब जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे पास इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बिल्ड करने का. अब सपोज ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है. ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है. अब जैसे ही इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि बेसिकली कि कोई भी जब एक्सटर्नल स्टिमुलाई, सही है कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जब आके इंटर होंगे तो हमारे पास एक इंजाइम होगा फास्फोलिपिडेज ए टू. वो फास्फोलिपिडेज ए टू इंजाइम फास्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा, हमारे पास बन जाएगा एराकिडोनिक एसिड. दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज. ये प्रिकर्सर होता है. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जैसे यहाँ पे कॉक्स रिएक्ट करेगा, एक्ट करेगा. ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड से हमारे पास क्या बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा और थ्रोम्बोक्सेन ए टू बनेगा. सही है, अब चूंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, अगर हम बात करें कॉक्स वन और कॉक्स टू की, तो कॉक्स वन दैट इज फिजियोलॉजिकली, ठीक है, कि नॉर्मल ये बॉडी में प्रेजेंट है एवरी टिश्यू में. ठीक है, और नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. जबकि जो कॉक्स टू है ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में होगा कि जब इन्फ्लेमेशन हो रही है. ठीक है, और फिजियोलॉजिकली भी कॉक्स टू हमारे पास ब्रेन में और किडनी में प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट कंट्री है. जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो देन हमारे पास क्या होता है, कॉक्स टू की फॉर्मेशन होती है. अब एराकिडोनिक एसिड से जब बन रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सेन ए टू, अब चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या है कि फिजियोलॉजी क्या है इसकी, कि ये एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है. कैसे, कि बाइकार्बोनेट की जो सिक्रीशन होगी इसको इंक्रीज करेगा. ठीक है, इसके अलावा क्या करता है कि जो ब्लड फ्लो होता है टू म्यूकोजा उसको इंक्रीज कर देता है. ठीक है, दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का ये नॉर्मल फंक्शन, और टू द सम एक्सटेंट क्या कर रहा था कि ब्लड प्रेशर को भी कम कर रहा था. सही है, अब हमारे पास जो थ्रोम्बोक्सेन ए टू है ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, ये क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है. सही है, अब अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन की, तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन में हमारे पास ये होगा कि जो कॉक्स टू की फॉर्मेशन हो रही होती है, कुछ जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो गया, साइटोकाइंस हो गए, इंटरलुकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, इंटरलुकिन वन. अब ये क्या है कि इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं, जब ये क्या करेंगे मेडिएटर्स कॉक्स टू को सिग्नल देगा तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी फॉर्मेशन होगी कॉक्स टू की. जब कॉक्स टू की फॉर्मेशन हो रही है तो इट मींस दैट प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिक्रीशन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. इसके नतीजे में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, फीवर हो जाएगा, जो टेम्परेचर होगा बॉडी टेम्परेचर वो भी इंक्रीज होगा. तो ये था इसका जो मैकेनिज्म है कि कैसे इन्फ्लेमेशन होती है. ठीक है ना, उसके हमारे पास कॉक्स वन कॉक्स टू जो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे है कैसे वो बनता है एंजाइम. ठीक है ना, इसकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजिकल कंडीशन. ठीक है, फिर हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज ये लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे में क्या है कि एराकिडोनिक एसिड से हमारे पास थ्रोम्बोक्सेन ए टू, फिर लिपोऑक्सीजिनेज में क्या है कि एराकिडोनिक एसिड से हमारे पास क्या लिकोट्राइन बनता है. अब ये था इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी प्लस पैथोलॉजिकल कंडीशन. ड्रग की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ड्रग्स आती हैं हमारे पास, इसकी तीन क्लासिफिकेशन आती है हमारे पास जो नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, तो उसकी तीन क्लासिफिकेशन है, तीन क्लासेस में इसको हम डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है जो नॉन सेलेक्टिव, ठीक है, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है. पहले है नॉन सेलेक्टिव, सेकंड है हमारे पास प्रेफरेंशियली सेलेक्टिव. ठीक है, फर्स्ट वन इज नॉन सेलेक्टिव, ठीक है,
सेकंड आती है हमारे पास जो प्रेफरेंशियली सिलेक्टिव होती है, ठीक है, प्रेफरेंशियली सिलेक्टिव। और थर्ड आ जाती है फिर सिलेक्टिव, थर्ड जो आती है हमारे पास सिलेक्टिव। अब ये जो ड्रग्स होती हैं नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि बोथ कॉक्स वन और कॉक्स टू को इनहिबिट कर देंगी, सही है, इनको इनहिबिट, इनकी इनहिबिशन करेंगी, ठीक है। अब जो हमारे पास नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में नॉन सिलेक्टिव है, ये इसमें एस्पिरिन है, ठीक है, एस्पिरिन आ जाती है। उसके अलावा डाइक्लो है, डाइक्लोफेनिक सोडियम है। उसके अलावा आ जाती है हमारे पास एंडोमिथासिन, मेथासिन है, आइबोप्रोफीन है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रेफरेंशियली सेलेक्टिव है उसमें निमसेलाइड है। अब जो प्रेफरेंशियली सेलेक्टिव है ये भी क्या करती हैं, हमारे पास कॉक्स वन कॉक्स टू दोनों को ब्लॉक करेंगी, इनहिबिट करेंगी, लेकिन क्या करती हैं, मोस्ट प्रेफर किसको करेंगी, कॉक्स टू को, तो इसमें निम्सोलाइड है। थर्ड आ जाती है फिर हमारे पास सेलेक्टिव, तो सेलेक्टिव में हमारे पास कौन सी होगी, सिलोकॉक्सिब, ये हमारे पास ड्रग होगी जो सेलेक्टिवली कॉक्स टू, सेलेक्टिव कॉक्स टू है, सही है, कॉक्स टू को क्या करेगी, ब्लॉक कर देगी। अब नॉन सेलेक्टिव की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास एस्पिरिन है, अब एस्पिरिन जो है ये इरिवर्सिबल है, ठीक है, कि इरिवर्सिबली क्या करेगी, इसको ब्लॉक कर देगी कॉक्स वन और कॉक्स टू को, सही है, इरिवर्सिबल ब्लॉकर है। अब हमारे पास क्या होता है कि चूंकि इसका जो अगर हम अब लो डोज यूज कर रहे हैं, लो डोज, तो ये क्या करती है, हमारे पास लो डोज में कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती है, हार्ट डिजीज, उसके लिए यूज होती है। वो कैसे, कि हमने पढ़ा थ्रोम्बोक्सेन ए टू, ठीक है, अब थ्रोम्बोक्सेन ए टू का फंक्शन क्या था, कि वो हमारे पास क्या बना रहा था, ब्लड क्लाट बना रहा था, ठीक है। अब जब ब्लड क्लाटिंग बन रही है ब्लड वेसल्स में, तो उसकी वजह से डिफरेंट हार्ट की डिजीजेज होंगी, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एंजाइना होगा, तो डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, सही है। अब हमारे पास जब इसका लेवल ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, चूँकि इनहिबिटर यूज़ कर रहे हैं, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये क्या करेंगी, कॉक्स वन कॉक्स टू को ब्लॉक करके इनहिबिट करेंगी। जब इसकी इनहिबिट करें, इनहिबिशन करेंगी, तो हमारे पास क्या हो जाता है, थ्रोम्बोक्सेन ए टू, ये भी ब्लड क्लाट की फॉर्मेशन नहीं करता है, जाहिर बात है, जब इस हमने ब्लॉकर यूज़ की तो क्या करेगा, इसके लेवल को कम कर देगा, इसको इनहिबिट करेगा, तो ब्लड क्लाट नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो इस तरह हम एज इसको ब्लड थिनर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिर हमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो का आर्टरीज में जो क्लाट बन रहे होते हैं उससे हमें रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा क्या करता है कि हमारे पास जो इसका ये ड्रॉबैक भी है, जो मेन इसका है, कि जीआईटी में क्या कर रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करेगा, जब कम करेगा तो हमारे पास एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बाइकार्बोनेट नहीं बनेगी, जिसकी वजह से वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो डिस्ट्रॉय होगी, तो अल्सर काज हो सकता है, ठीक है। ये थी इसकी क्लासिफिकेशंस, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो होगा इसको वन बाय वन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से देखेंगे कि कैसे इसके ये जो ड्रग्स होती हैं अपना नॉर्मल, इसके साइड इफेक्ट वगैरह भी देखेंगे, ठीक है, मेन इसके जो मैकेनिज्म्स था, ठीक है, उसको डिस्कस कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक, सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।